आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हाउसिंग एंड टाउनशिप घटक AHP का था, मलिन बस्ती के UWI वर्ग के हितग्राहियों को राज्यांश सहायता की स्वीकृति के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। इसी तरह से महत्वपूर्ण निर्णय में जो शहरी आजीविका मिशन था, वो प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार करने का तय किया है, जो कि सभी जगह अब एक महत्वाकांक्षी योजना जो आजीविका मिशन की थी वो लागू की गई है। आज कैबिनेट ने तय किया है कि जो वाणिज्य कर विभाग की वार्ड नंबर 22 में बालाघाट में जो अम्बेडकर चौक पर परिसंपत्ति थी, उसे 8,80,11,000 रुपए में 100% जमा राशि जमा करने पर रजिस्ट्री करने का आज तय किया है। इसी तरह से तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत भी आज उन विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति देखते हुए पुनरीक्षण वेतनमान को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। आज एक विषय शहरी अभ्यारण्य और उनसे प्रवेश शुल्क का आया था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त और बाकी की गाइडलाइन के अनुसार करने के लिए निर्णय किया है। वाणिज्यकर अपीली बोर्ड के जो सदस्य थे उनके 18 अस्थायी पदों को निरंतर रखने का आज सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज सभी कैबिनेट के माननीय सम्मानित सदस्यों के सामने सभी जिला कलेक्टर, जिला कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के डीनों को एक साथ सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली। वर्चुअल बैठक में आज उन्होंने कोरोना के संबंध में काफ़ी गंभीरता इसमें ली है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी आज निर्देश दिए गए। जिले के बाहर भी, जिले के अंदर भी क्या स्थिति है, इसकी लगातार समीक्षा की है। जो संक्रमण बढ़ रहा था उसकी भी समीक्षा की कि वो अब थमा है। जिलों से विस्तार से बात करने के बाद, खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगर उसमें लिए गए। आज ये भी स्पष्ट किया गया कि भोपाल में, इंदौर में और प्रदेश में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। कहीं बेड की कमी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर की कमी नहीं है, कहीं PPE किट की कमी नहीं है, कहीं दवाइयों की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो, ऐसा भी मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे कहूँगा कि ये बात सब जगह जानी चाहिए कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो हमारे मास्क गोले बनाना दुकानों पर, एक डिस्टेंसिंग रखने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे पहले अलग अलग लोग, कोई यमराज बन के घूमता था, कोई अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक करते थे, आज सबको जागरूक इस दिशा में करना है। जागरूकता के साथ साथ कोई भ्रम ना फैले, इसकी भी चिंता हम सबको देखना होगी कि ये संक्रमण और तेजी से न बढ़े। पूरी ताकत के साथ में सरकार तैयार है।